बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड टुडे। टुडे इज़ मंडे एंड डेट ऑफ 24 मई 2021 एंड टुडे वर्क इज़ मैथ्स बी बुक जूनियर। टेक आउट योर बुक्स एंड पेज नंबर 41, डू पेज नंबर 41। ठीक है क्लास, आज हम काम वर्क करेंगे 41 पेज नंबर 41 पेज नंबर। लेट्स रिकॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्टेड कलर एंड साइज टेक्सचर और शेप। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, टिक द पेयर शोइंग द सेम टेक्सचर। ठीक है, जो सेम टेक्सचर होंगे और सेम शेप्स होते हैं, सेम कलर्स होते हैं, सेम साइज होते हैं, इसमें सेम टेक्सचर दिया गया है। ठीक है, आपकी जो ये एक्टिविटी है उसमें आपको सेम टेक्सचर दिया है। अच्छा, पेयर दिए हैं उसमें से आपको टिक मार्क करना है जो सेम टेक्सचर होंगे। ठीक है, उन पेयर्स में से जो सेम टेक्सचर होंगे उस पर टिक मार्क करना है, और जो सेम नहीं होंगे पेयर्स, जो शोइंग नहीं कर रहे होंगे सेम, उनको आपको टिक मार्क नहीं करना। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये है टेबल एंड कंप्यूटर टेबल। ठीक है, टेबल एंड कंप्यूटर टेबल है, ये टू टेबल्स हैं, इनको भी कंप्यूटर टेबल कहते हैं और इनको कहते हैं डाइनिंग टेबल जो होती है। अच्छा जी, सेम टेक्सचर, अगर सेम टेक्सचर है तो उस पर टिक मार्क करना है हमें, अगर सेम टेक्सचर नहीं है दोनों पेयर्स का तो हमें टिक मार्क नहीं करना। तो सेम टेक्सचर है, ये भी वुड के होते हैं, ये भी वुड की है और ये भी वुड की है। ठीक है, ये टू टेबल्स हैं, वो दोनों ही सेम टेक्सचर की बनी हुई हैं। ठीक है, सेम है क्योंकि ये भी वुड की हैं और ये भी वुड की हैं। तो हमें क्या करना है इन पेयर पर, जो हमें टिक जो सेम टेक्सचर होगा उस पर हमें क्या करना है, इस ब्लैंक बॉक्स पर हमें टिक मार्क करना है। ठीक है, जो सेम होंगे। ठीक है, पेज नंबर 41। ठीक है, पेज नंबर 41 पर टिक द पेयर शोइंग द सेम टेक्सचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू कलर साइज टेक्सचर और शेप्स। इन से जो टेक्सचर जो भी है, अगर दोनों का सेम ऑब्जेक्ट है, सेम साइज़ है या सेम कलर है या सेम शेप है ना, तो उस पर आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। चले नेक्स्ट करते हैं, ये सेम था, ये भी वुड है, ये भी वुड है, ये भी कंप्यूटर टेबल भी वुड की बनी हुई है एंड टेबल भी हमारी वुड की है, तो हमें क्या करा है, टिक मार्क करा है। अच्छा नेक्स्ट है, व्हाट इज़ दिस, इज़ दिस कुशन। ठीक है, ये कुशन है, प्लू बिल कहते हैं, कुशन भी है। ठीक है, एंड दिस वन ये है वुड, वुड का बॉक्स है। ठीक है, वुडिंग बॉक्स बॉक्स है लेकिन ये वुड का है। अच्छा जी, इसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर देखते हैं क्या है, सेम है या नहीं है। तो ये तो प्लू है, ये तो वो वूल की बनी हुई है, रुई की है। ठीक है, और ये किसका बनी हुई है, ये है वुड की, तो ये सेम टेक्सचर नहीं है, तो यहाँ पर हम टिक मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये सेम टेक्सचर नहीं शो कर रही। नेक्स्ट है, ये फ्लोर है। ठीक है, टाइल्स हैं ये। ठीक है, मार्बल टाइल्स हैं, और ये क्या है, वुड। ठीक है, ये लकड़ी है। ठीक है, टेक्सचर इनका सेम है अगर तो हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, और अगर टेक्सचर सेम नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वुड है और ये क्या है, टाइल्स हैं, तो ये टाइल्स और वुड तो सेम टेक्सचर नहीं है ना। टाइल्स तो नीचे ज़मीन पे बनते हैं और वुड तो वुड की तो लकड़ी, वुड की टेबल होती है, वुड की पेंसिल है, वुड की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सेम टेक्सचर नहीं है, आपको जो जो सेम टेक्सचर लगे उस पर आपको टिक मार्क करना है। तो ये सेम टेक्सचर नहीं है तो हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ये तो चिकी है एंड रैबिट है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों एनिमल्स हैं। ठीक है, टू एनिमल्स हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं है कोई भी, क्योंकि ये दोनों एनिमल्स हैं।
एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं तो ये पेयर्स है जो शो कर रहा है वो दोनों सेम टेक्सचर का है क्योंकि ये एनिमल्स हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या करना है, राइट करना है, टिक मार्क करना है, ठीक है, ये दोनों सेम, ठीक है क्लास। ये तो ये फर्स्ट आपकी थी वुड की थी, वो सेम टेक्सचर था, उस पर आप टिक मार्क करा। नेक्स्ट आपकी जो थी वो उस पर टिक मार्क नहीं करना, वो रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड थर्ड में भी आपको टिक मार्क नहीं करना, इसलिए वो भी रॉन्ग है, इसलिए वो टाइल्स है और वो क्या कहते हैं वुड है, इसलिए सेम टेक्सचर नहीं है। एंड नेक्स्ट जो फोर है वो है सेम टेक्सचर क्योंकि ये दोनों एनिमल्स हैं, इस पर हमने टिक मार्क करा है। पेज नंबर 41 इसको आपको सी डब्ल्यू एंड एच डब्ल्यू में डन करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 पर आपको क्या करना है, रिकॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ कलर साइज अट्रैक्शन और शेप। इसमें भी आपको क्या करना है सेम, लेट्स रिकॉल, इसमें भी आपको क्या करना है, कलर द सेम शेप, ठीक है। आपको कलर्स उन शेप्स पे करना है जो सेम शेप्स हों, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारी पिक्चर, वो है कौन सी शेप है, ये व्हाट इज़ दिस, दिस इज स्क्वायर शेप, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ट्राइंगल एंड थर्ड वन सर्कल, ठीक है, स्क्वायर ट्राइंगल एंड सर्कल। एंड नेक्स्ट में हमारे क्या है, सर्कल सर क्लास, इसमें मैंने कलर द सेम शेप्स, ठीक है, कलर द सेम शेप है, उसमें आपको कलर्स करने हैं। ये मेरे पास फोर कलर्स हैं, ब्लू ग्रीन पिंक एंड ब्राउन, ठीक है। सेम कलर करना है जिसमें सेम शेप्स हों, ठीक है। अगर सेम शेप जो हैं आपको इसमें नज़र आ रही हैं ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा शेप्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं उसमें आपको कलर करना है। आपको कोई भी डिफरेंट कलर, आजकल कोई भी एक कलर करना है, कोई भी, ठीक है, एनी कलर आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें सेम आपको नज़र आ रही है कौन सी शेप बताइए, सर्कल, सर्कल शेप जो है वो सेम है, ठीक है। ये भी सेम है, 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 ये भी सेम है। तो सर्कल में आपको जो जितने भी सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्कल है, 6 सर्कल में आपको कलर करना है सेम, ठीक है। इसमें आप ब्लू कर लें, ठीक है, जितने भी सर्कल हैं सर्कल में आपको कलर करना है ओनली जस्ट, ठीक है। ब्राउन कर लें, पिंक कर लीजिए, ठीक है, इसमें एंड ग्रीन है, ठीक है। जितने भी आपको इस 42 पेज नंबर पे आपको कलर्स सेम जो शेप नज़र आ रही है, जो शेप नज़र आ रही हैं तो वो कौन सी हैं सेम शेप, वो है सर्कल शेप, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको, इसमें से देखना है आपको के कौन सी शेप सेम है, तो इसमें से जो सेम शेप में शेप है वो है सर्कल, तो सर्कल पर आपको कलर्स करने हैं सारे सर्कल पर, ठीक है। नॉट इस पर आपको स्क्वायर पे नहीं करना कलर, ट्राइंगल पे नहीं करना एंड रेक्टेंगल पे नहीं करना, बाकी जो सर्कल्स हैं उसमें आपको कलर करना है पेज नंबर 42 पर, ठीक है क्लास। ये समझ आ गया होगा, इसको भी आप लोगों को सी डब्ल्यू एंड एच डब्ल्यू होमवर्क में करना है, डन, ठीक है। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पर क्या करना है आपको, पेज नंबर 42 पे भी यही है सेम, कि रिकॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ कलर साइज टेक्सचर और शेप, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, डू पेज नंबर 43, ठीक है क्लास, डू पेज नंबर 43 में पेज नंबर ड्रॉ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू शो द डिफरेंस इन साइज, ठीक है। रिकॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कलर साइज टेक्सचर और शेप, ठीक है। पहले फर्स्ट में हमने टेक्सचर का करा था, सेकंड में हमने शेप्स का करा, एंड अब इसमें हमने साइज का कर रहे हैं, डिफरेंट साइज, ठीक है। ड्रॉ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू शो द डिफरेंस इन साइज, ठीक है। इनमें आपको साइज का करना है कि साइज की जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उस साइज से स्मॉल साइज आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो है लीव, ठीक है, ये बिग लीव है, ठीक है, आपको ड्रॉ करना है स्मॉल लीव, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर स्मॉल छोटा सा लीव आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है।
लीफ, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल लीफ आपको ड्रॉ करना है, बिग लीफ आपको आपको ड्रॉ हुआ हुआ है और यहाँ पर आपको स्मॉल साइज़ का यहाँ पर ड्रॉ करना है लीफ, ठीक है। नेक्स्ट आपको है कैरेट, कैरेट आपको यहाँ पर बिग कैरेट दी गई है, कैरेट कैरेट आप खाते होंगे मैंने मज़े की, और किस कलर की होती है, ये होती है रेड कलर की, ऑरेंज भी होती है, ठीक है, इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अच्छा, और इसकी आपको ये जो बिग कैरेट दी गई है इसकी आपको साइज आपको छोटा करके यहाँ पर आपको स्मॉल साइज में आपको कैरेट बन ड्रॉ करनी है। कैरेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल वाली शेप कर लेंगे, ट्राइंगल आपको आती है ड्रॉ करना, ठीक है। ट्राइंगल का हमने शेप को ड्रॉ करा, थोड़ा सा कफ करा ऊपर से, एंड 1, 2, 3 लीव्स इसके यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। एक बिग आपके यहाँ पर बिग कैरेट है, यहाँ पर स्मॉल साइज़ की हमने कैरेट ड्रॉ करी है। नेक्स्ट आपका है कि क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एप्पल, एप्पल इज़ रेड, इज़ गुड फॉर हेल्थ, टेस्ट इज यमी, ठीक है। क्लास आपको पता है ना कि सेब कितना हमारे लिए, इस एप्पल जो हम लोग खाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिग एप्पल दिया गया है, इसको आपको स्मॉल एप्पल ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ स्मॉल एप्पल, ठीक है, इसका साइज स्मॉल करके हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर बिग एप्पल है, यहाँ पर मैं साइड पर आपको छोटा सा एप्पल, स्मॉल एप्पल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। पहले सर्कल बनाइएगा, ठीक है, मैं आपको इजी पैटर्न बता रही हूँ बनाने का, ठीक है। सर्कल बना के, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा कर्व करेंगे और यहीं से आप एक ड्रॉ एक लाइन बनाएंगे, लाइन बनाने के साथ एक छोटा सा लीफ यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ओके क्लास, जस्ट। एंड यहाँ पर अगर कर्व करना है हल्का सा तो कर्व कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम, ठीक है। सो ये बिगेस्ट इसमें एप्पल है एंड स्मॉल साइज़ का हमने यहाँ पर एप्पल ड्रॉ करा है, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर दिया गया है, ये बिग फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पर आपको साइड पर आपको स्मॉल साइज़ का आपको फ्लावर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रही हूँ, सर्कल ड्रॉ करा, 1 circle, 2 circle, 3 circle, 4, 5, 6 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 1 बिग सर्कल ड्रॉ करो एंड थर्ड 6 ड्रॉ इनके साइड में कर लिए, और यहाँ से एक लाइन बनानी है, लाइन बनाने के बाद एक छोटी सी लीव बना लीजिएगा, ठीक है। अगर लीव नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से ड्रॉ करना है तो ये इसके साथ एक लीव भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, सही है। ये बिगेस्ट फ्लावर है एंड स्मॉल फ्लावर है। पेज नंबर 43 पर आपको क्या करना था, ड्रॉ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू शो द डिफरेंस इन साइज, यहाँ पर हमने साइज़ का कॉन्सेप्ट करा है। पेज नंबर 42 पर हमने सेम शेप्स का करा है, कलर का, ठीक है। एंड पेज नंबर 41 पे हमने टेक्सचर का करा है, सेम टेक्सचर। ये 3 टॉपिक्स थे, सेम टेक्सचर, सेम कलर एंड सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। ये कुछ कहते हैं कि रिकॉल्स करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कलर, साइज, टेक्सचर एंड शेप्स हमने करा है, ठीक है। पेज नंबर 41, 42 एंड 43 आपको डन करना है, होमवर्क में भी और CW में भी, ठीक है क्लास। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।